दोस्तों तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ एक और नया वर्कआउट लेके, जो कि फोर आर्म्स का। तो एक्सरसाइज से पहले आप वार्म अप कर लेना, जिससे आपको स्ट्रेचिंग और इंजरी होने के कम चांस रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है टम्बल रिस्ट एक्सटेंशन। एक्सरसाइज करने के लिए पहले कैसे एक चेयर की जरूरत होगी, मेरे पास तो ये है, इसका प्रयोग कर लिया मैंने। आपको एक चेयर पर ऐसे बैठ जाइएगा और घुटने पर, और आप घर में अपने ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईट को आप ऐसे पकड़ के ऐसे और ऐसे करिए, मैं डंबल से बता देता हूँ। ऐसे पकड़ना है, यहाँ रखना है और ऐसे करना है। इसके आपको 3 सेट 15 रेपिटेशन के मारने हैं। इसके आपको 3 सेट 15 रेपिटेशन के मारने हैं और फोर आर्म्स मसल को फील करना है और धीरे धीरे करना है, लाइट वेट से करना है आपको। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है डंबल रिस्ट कर्ल। वो हम ऐसे परफॉर्म करेंगे इसी पे। और मैंने हाइट के लिए एक ईट ले लिया है, जो पाँव पहुँच नहीं रहा था मेरा, इसलिए मैंने हाइट के लिए एक ईट ले लिया है। आप इसी ईट से भी कर सकते हैं। इस ईट को ऐसे पकड़ के यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे इस पे धर के यहाँ तक लाइए पूरा, और नीचे धीरे छोड़िए, पूरा यहाँ छोड़ दीजिए यहाँ। मैं आपको डंबल से भी बता देता हूँ, आपको ऐसे ले लेना और यहाँ पकड़ना है और यहाँ से पूरा ऐसे नीचे छोड़ना है, फिर ऐसे ऊपर उठा लेना है, फिर नीचे करना है, फिर नीचे ऊपर उठा लेना है नीचे। आपको इसके भी 3 सेट 15 रेपिटेशन के मारने हैं। ज़्यादातर लोग फोरआर्म से ध्यान नहीं देते हैं, और आपको फोरआर्म से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका हर एक्सरसाइज जो कि चेस्ट हो गया, आप बाइसेप्स मार रहे हो, बाइसेप्स चेस्ट कुछ शोल्डर भी मार रहे हो, तो आपका कलाई और फोरआर्म मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज जाने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है रबड़ रिवर्स कर्ल। रबड़ से करेंगे, हमारे पास ये है, आपने नेक्स्ट वीडियो में भी देखा होगा। इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा लेना है और इस तरीके से पकड़ना है, रिवर्स मतलब रिवर्स में ऐसे पकड़ना है और यहाँ रखना है और ऐसे उठाना है, जिससे आपका बाइसेप्स का ये मसल्स, यहाँ से जो ये मसल्स होता है वो ट्रेंड होता है, यहाँ जो मसल्स होता है ये वाला। आपको कैसे करना है, इसके आपको 3 सेट 15 रेपिटेशन के मारने हैं और हर सेट को फील करके मारना है। अब हर एक्सरसाइज में माइंड कनेक्शन आपका होना बहुत ज़रूरी है। माइंड कनेक्शन छूटा तो आपका वो सेट नहीं गिना जाएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि पेपर रप अप। बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, आपको ये 3 एक्सरसाइज के बाद में करना है और 2 मिनट करना है इस एक्सरसाइज को। पेपर रप अप ऐसा नहीं है इसका 3 से 15 रेपिटेशन मारने, 2 मिनट ही करना है। 2 मिनट 1 मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस तरीके से पेपर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे और इसको ऐसे से बस मसलना है। पेपर रप अप मतलब रब करना है इसको। 2 मिनट करने के बाद आपका फोरआर्म्स करके देखिएगा एक बार। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी वीडियो लेके मैं दोबारा हाजिर होऊंगा आपके सामने। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।